तमिलनाडु इन दिनों खूब चर्चा के केंद्र में रहा। राजनीतिक हलचल और जलीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में खूब हंगामा मचा। 1 मार्च से तमिलनाडु में कुछ ऐसा शुरू हुआ कि तमिलनाडु एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल 1 मार्च से तमिलनाडु में पेप्सी और कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया है। राज्य के 2 बड़े ट्रेड संगठनों ने इन दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। इन संगठनों ने अपने सदस्यों से कहा है कि पेप्सी और कोका कोला कंपनियों के किसी भी सामान को राज्य में ना बेचा जाए। संगठनों ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां नदियों से भारी मात्रा में पानी का दोहन करती हैं, जिसकी वजह से सूखे के समय पानी के लिए किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु वानिगर संगम और तमिलनाडु ट्रेडर्स फेडरेशन का इस बारे में तर्क है कि राज्य में हर साल सूखे के हालात बन जाते हैं, इस वजह से किसानों को अपने खेतों के लिए पानी नहीं मिलता, जबकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां बेधड़क राज्य के वाटर सोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपना उत्पादन जारी रखती हैं।